सितारगंज की सेंट्रल जेल में 21 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों जेल के कैदी गण और स्टाफ की रैंडम सैंपलिंग की गई थी, जिसकी रिपोर्ट आज आई है, जहां 21 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस दौरान सीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश आर्य ने बताया कि सेंट्रल जेल में संक्रमित निकले 21 कैदियों को जेल के ही अलग वार्ड में आइसोलेट किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां सभी संक्रमित कैदियों का जेल में इलाज किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर गंभीर हालतों वाले मरीजों को रुद्रपुर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने जेल के अन्य स्टाफ के कोविड सैंपलिंग की तैयारी किए जाने की बात कही है। जो टीम थी सैंपलिंग टीम, उसके द्वारा इसी रविवार को केंद्रीय कारागार सितारगंज में बंदीगणों तथा स्टाफ की रैंडम सैंपलिंग की गई, जिसका कि रिजल्ट हमको कल रात प्राप्त हुआ। उसमें 21 बंदीगण कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनको कि हमारी टीम के द्वारा एक अलग बैरक में रखा जाएगा और जो गैर संक्रमित हैं उनको दूसरी बैरक में रखा जाएगा। जो संक्रमित हैं उनको दवाइयां इत्यादि उपलब्ध कराई जाएंगी। उसमें से जिनकी हालत ज़्यादा गंभीर होगी उन्हें उपचार हेतु रुद्रपुर कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। इस प्रकार की सारी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो और हमारे कैदीगण हैं या स्टाफ हैं, उनकी भी सैंपलिंग की प्रक्रिया की जा रही है, सैंपलिंग उनकी की जा रही है और जेल को सैनिटाइज करवाने पर भी जोर दिया जा रहा है। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।